न्यायिक हिरासत में भेजा केजरीवाल को, न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया सीबीआई का। केजरीवाल पर पूछताछ में सहयोग न करने का आरोप भी लगाया। जैसे कि आपको मालूम है कि हाल ही में केजरीवाल को की पेशी हुई थी और सुनवाई के दौरान रिमांड पर उनको लिया गया था, लेकिन पूछताछ में कोई सहयोग केजरीवाल नहीं कर रहे हैं ये कहा जा रहा है। अब केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बड़ी खबर आपको देना है जहां केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा केजरीवाल को, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सीबीआई का केजरीवाल पर पूछताछ में सहयोग न करने का आरोप लगा है। और संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में केजरीवाल को भेजा गया है। तौर से सीबीआई की तरफ से जो दलीलें दी गई, उन दलीलों में कहा गया है कि कुछ ऐसे सवाल पूछे गए अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल ने सीधा जवाब नहीं दिया है और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो साउथ ग्रुप के साथ उनकी बैठक हुई थी उस बैठक में जो दिल्ली आबकारी नीति हमले पर फैसला लेना था उस फैसले को तुरंत क्यों बदला गया। ताजा इस पूरे मामले में अभी सीबीआई को पूछताछ करने की जरूरत नहीं है और चूंकि अरविंद केजरीवाल एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, राजनीतिक बड़े हैं, ऐसे में ये माना जा सकता है कि वो केस की दिशा को भटका सकते हैं, लिहाजा उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। कोर्ट ने आज फिलहाल सीबीआई की इन तमाम दलीलों को सुना और उसके बाद 12 जुलाई तक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया है। क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई के पास रिमांड के लिए 14 दिन का समय होता है, क्योंकि 3 दिन का समय ऑलरेडी सीबीआई ने एंगेज कर दिया है, तो अभी भी सीबीआई के पास उनके बाकी बचे हुए दिन अभी हैं। तो सीबीआई को अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी को चाहिए तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के अरविंद केजरीवाल की कस्टडी ले सकते हैं।